बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। हमें ये ब्लैक कपड़ा चाहिए 1 मीटर तक है, और हमें कुछ बेजर ब्लैक कलर में चाहिए। वाइट कलर के फ्लावर भी हैं, और ये 0 साइज वाली पर्ल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बकरम की नेक बनाएंगे। हमें राउंड शेप की नेक चाहिए, छोटी बच्ची का है, तो इसके लिए हम 2.5 इंच तक हमने चौड़ाई में बकरम लेंगे, और हम 3 इंच तक लंबाई में बकरम लेंगे। और अब हम निशानों को आपस में मिला देंगे। और कॉर्नर से हम 1 इंच तक हम निशान लगाएंगे, फिर हम गोलाई देंगे। हमने कपड़े पे अटैच कर दी है बकरम, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस नेक पे हम ब्लैक पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए हमें 1 इंच तक हम पट्टी कटिंग करेंगे, आड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। हमने नेक की कटिंग कर दी है, हम बैक साइड वाली नेक की कटिंग करेंगे। उधर से भी हम पाइपिंग लगाएंगे, तो हल्की सी शेप देंगे। पहले हम बैक साइड को इधर से पट्टी लगाएंगे। हमने पट्टी काट दी है, अब हम इसको अटैच करेंगे, सीधी साइड लगाएंगे, बैक साइड टर्न करेंगे। हमने बैक नेक वाली सिलाई कर दी है, अब हम सामने वाली नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हमें पहले शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। अब हम पाइपिंग अटैच करेंगे ब्लैक कपड़े वाली। इस तरह से हमने ब्लैक पट्टी लगा दी है, अब हम पाइपिंग बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। हमने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है, अब हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पीछे से, इसको हम तुरपाई करेंगे। हमने पीछे से भी थोड़े थोड़े कट लगा दिए हैं ब्लैक पट्टी को, अब हम इस तरह से तुरपाई करेंगे। हमने नेक की तुरपाई कर दी है, अब हमारा नेक तैयार है। अब हम सेंटर से इधर निशान लगाएंगे, बेजिस लगाएंगे, क्योंकि ये मशीन से लगेंगे, तो इसके लिए हम सेंटर में निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रॉक है, तो ये हमारी पेटी का निशान है, तो इसके लिए हम ऊपर नेक के बराबर में लगाएंगे ये बेजिस। इस तरह से हम 4 लगाएंगे, ये हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हम 4 बेजेस लगाएंगे। 4 बेजेस ब्लैक कलर वाले लगा दिए हैं, अब हम ऊपर से ये वाइट वाले लगाएंगे, और ये छोटा सा पर्ल भी लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन दोनों के ऊपर भी लगा देंगे वाइट फ्लावर। हमने बेजेस लगा दिए हैं, और हमने फिटिंग की सिलाई से पहले इसलिए लगाए हैं ताकि हमें फिर मुश्किल होती है लगाने में, इसके लिए हमने पहले बेजेस लगा दिए हैं। हम बेल्ट लगाएंगे, तो इसके लिए हम बेल्ट के लिए कड़े बनाएंगे, फिर हम बेल्ट भी बनाएंगे। हम बेल्ट के लिए 4 पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए हम 4 पट्टियाँ काटेंगे।
जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है पेटी का बेल्ट बनाने के लिए, तो इसके लिए हम इधर कड़े लगाएंगे। इस तरह हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों कड़े लगाएंगे। हमने कड़े लगा दिए हैं, दो आगे से लगा दिए हैं और दो बैक साइड लगा दिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है, अब हम स्लीव्स लगाएंगे। हमने स्लीव्स लगा दिए हैं, अब हमने स्लीव्स के मोहरी पे इस तरह हमने लेस लगाई है। ये लेस अब हम दामन पे भी लगाएंगे इस तरह से। हमने इस तरह से एक सिलाई कर दी है लेस के ऊपर। अब हम इसको इस तरह से बैक साइड टर्न करेंगे तो ये लुक हमारी इस तरह आएगी। अब हम दूसरी सिलाई इस पे करेंगे। हमने इस तरह से लेस लगा दी है, ये हमारी शर्ट रेडी है। अब हम इसका लास्ट में बेल्ट बनाएंगे। हमने जो पट्टी ली है बेल्ट बनाने के लिए, उसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने 2 इंच तक ली है और जो हमारी लंबाई है वो हमने 22 इंच ली है। और हम ब्लैक पट्टी इस पर अटैच करेंगे इस तरह से। हमारी ये सीधी पट्टी है ब्लैक वाली। हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है, अब हमने बेल्ट लगा दिया है। ये हमारी फाइनल लुक है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।